नमस्ते, आप सभी का एजेंसी ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम बनाते हैं यूपी स्टाइल निमोना। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये कोचमीन है, ये लहसुन मिर्ची है, ये सरसों का तेल है, ये बटाना मटर है, ये आलू है। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, ये बटाने को मटर को हम पीस लेंगे। मेरा फेस आ जाएगा। पहले हम बटाने को इसको पीस लिए हैं। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हाँ, अभी हमने बटाने को पीस लिया है। अभी इसमें हम ये धनिया का पत्ती, अरे लहसुन और ये मिर्ची डाल के अलग से पीसेंगे। अभी हम इसको भी जो पीस के ले लिए हैं, धनिया का पत्ती था और लहसुन मिर्ची, इसको हमने पीस के ले लिए हैं। अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। इसमें सरसों का तेल डालेंगे, आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आपको अगर ज़रूरत हो तो डाल दें, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। हींग डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब बड़ी भी डाल सकते हैं इसमें। इसको हम क्या करेंगे, तेल होने पे थोड़ा सा तेल गर्म होने पे इसको हम पिसा हुआ बटाना जो है डाल दें। बटाना मतलब मटर, हम मटर पीस के रखे हैं, इसको हम डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे जब तक ये इतना भूनेंगे जब तक ये पूरा पक के एकदम से अलग अलग बन जाए, एकदम पूरा अच्छे से भूनेंगे। चलाते रहेंगे ये पकड़ लेगा, तो छोड़ के हम जाएंगे नहीं, तो चलाते रहेंगे। अभी आप लोग देखिए ये क्या, जो मटर है हमने इसको फ्राई किया, देखो क्या हम जब उसको भून रहे हैं ना, तो देखो कैसे पूरा अलग अलग हो गया एकदम, हाँ चिपका नहीं है, और नीचे से देखो रेड रेड लाल हो जाता है पूरा, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा महकने लगता है। अच्छा ये अलग अलग हो जाएगा, देखिए तो पकड़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। हाँ आप हमेशा इसको चलाते रहने का, ये देखिए आप ये अलग अलग हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम बारीक आलू काट के रखे उस पर डाल देंगे, इसको भी हम भूनेंगे। हाँ जब तक आलू पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक इसको ऐसे भूनते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, अब ये देखो हो गया है। हाँ इसको हम क्या करेंगे, जो धनिया और धनिया का पत्ती और लहसुन मिर्ची पीस के रखे थे हम इसको डाल देंगे, डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम के लिए पकाएंगे, थोड़ा पक जाएगा। हम डाल दिए हैं ये धनिया का जो पेस्ट बना दिया है, डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा टाइम पकाएंगे इसको, थोड़ा पकना। थोड़ा पकने के बाद
पकाएंगे। हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी को पकने देंगे, हल्दी को पकने देंगे। हल्दी पकने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, नहीं तो हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, कच्चा कच्चा लगेगा। थोड़ा हल्दी को पकने देंगे, दो मिनट पकाने के बाद, हल्दी डालने के दो मिनट पकाने के बाद फिर हम उसको पानी डालेंगे। खाएंगे ना, बहुत टेस्टी आता है, अब बना के जरूर खाना। अब हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना जरूरत है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। पानी डालेंगे, थोड़ा उबलने देंगे, उबलने की जब उबलने लगेगा तभी इसमें हम नमक डालेंगे, पहले से नमक नहीं डालेंगे। देखिए आप लोग कितना अच्छा कलर हो गया है, हाँ मूना बन के तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर हो गया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगेगा। अब आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम खाने में इसको दे सकते हैं। आप जब देखिए ये यूपी स्टाइल मूना बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी इसको बनाइए और खाइए, और इसको आप चावल के साथ, चपाती के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, आप किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। चावल के साथ इसको सर्व कर रहे हैं, आप भी खाइए और बनाइए यूपी स्टाइल निमोना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। Thank you.